नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स में। आज मैं करदम रावल आपका दोस्त रोज की तरह लेके आया हूँ आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 26 सितंबर 2018 वेनसडे, और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सलेंस। तो हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के 9 सब्जेक्ट्स का प्रीलिम्स प्लस मेंस का कोर्स तैयार किया है, जहां पर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर किए हैं। 300 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर 350 से ज्यादा लेक्चर्स विथ डिटेल्ड पीडीएफ, जिसको आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो। वीडियो कई बार देखिए, कोई पाबंदी नहीं है। पीडीएफ चाहे उतनी बार डाउनलोड करें, कोई पाबंदी नहीं है। 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। हर महीने मंथली करंट अफेयर का डोज मिलेगा। इस कोर्स को जो है आप एक्सेस कर पाओगे 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक, यानी कि बहुत लंबे टाइम के लिए आपकी वैलिडिटी रहेगी। और इसी की बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं गारंटी के साथ आपके आसपास हो रहे ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले ये काफी बढ़िया डील है। तो ये कोर्स आपको मिल सकता है 3,999 रुपये में विथ टैक्सेस, लेकिन कूपन कोड की मदद से। तो कूपन कोड कैसे प्राप्त करेंगे इसको पता करना है तो वीडियो की अंत तक इस वीडियो को जरूर से देखिए। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, जहां पर आप जो है अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पेमेंट करते इस कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। आज का जो रॉड मैप वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आज का मंत्र दैट वुड बी अ मोटिवेशनल कोटो के साथ हम शुरुआत करेंगे, और फिर जो आएंगे वोकैबुलरीज के ऊपर, जहां पर जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के 10 अंग्रेजी के शब्द हिंदी मतलब के साथ देखेंगे। देन वी विल फोकस ऑन द 3 फन फैक्ट्स, यानी कि आज का ज्ञान, जहां पर 3 मुद्दे जो करंट अफेयर्स को कनेक्ट करते हैं। इसी के साथ करेंगे बाद में एनालिसिस शुरू, जहां पर है वोटर्स चॉइस ऑन मालदीव प्रेसिडेंशियल पोल्स। तो मालदीव के अंदर प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए है, और चुनाव के जो नतीजे है वो काफी पब्लिक ने दिखा दिया है कि किस तरीके से जो है उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। तो मालदीव की थोड़ी लोकेशन क्या है, मालदीव सिनारियो क्या था, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर है लैंग्वेज मैटर्स ऑन अमित शाह टॉमिट रिमार्क। तो टोमाइट यहाँ पर एक वर्ड जो है अमित शाह ने यूज किया है, यानी कि दीमक, उसी के ऊपर जो है एक आर्टिकल आया। तो ये दीमक वर्ड उन्होंने कब और कहाँ यूज किया, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। अंत में देखेंगे पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर, एक नया सा क्वेश्चन। तो देखते हैं कि आज का जो मंत्र है वो क्या है। अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कहा था कि मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। अगर आपने बुरा वक्त, बुरा समय, बुरे लोग, इन सब चीजों से अगर आप बाहर नहीं आए, इन सब चीजों का अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो आपको अच्छे समय का, अच्छे लोगों का और अच्छाइयों के बारे में आपके लिए रिगार्डिंग कोई कीमत, वैल्यू और उसकी क्या हैप्पीनेस होती है उस लेवल का अंदाजा नहीं होगा। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, कुछ अनैतिक होता है, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा चेंज आता है जो काफी खराब हो, जो दिल दहला देने वाला हो, तो उसको आप नेगेटिव ना ले, फेलियर्स को भी नेगेटिव ना ले। ये जो है आपको सक्सेस के टाइम पे और भी चेरिश करने का एक नया सा मौका देता है। ये जो होता है आपके लाइफ में नेगेटिव स्पान, ये बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है पॉजिटिव फेज में ही दिखाई देती है कि आपने अपने आप में से कितनी पोटेंशियलिटीज उस टाइम पर यूज की, तब जाके आप जो है सक्सेस की मोहर प्राप्त कर सके। वोकैबुलरीज के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आपको यूज करना है डिलाइटेड बाई, तो आप उसको एनामोर्ड वर्ड से यूज कर सकते हैं। यूजुअली लाइट हार्टेड एडवेंचर को आप वर्ड बना सकते हैं एस्कापेड। उसी तरीके से रिमार्केबल के बदले आप लिख सकते हैं एमिनेंट। कॉपी के बदले आप इम्यूलेट वर्ड यूज कर सकते हैं। अट्रैक्ट अटेंशन के रिगार्डिंग आप एंडियो वर्ड यूज कर सकते हैं। टाइप अगर आपको बताना है कहीं पर तो आप फेटो वर्ड यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट के बदले आप इन्फ्यूरेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ब्लैटेंट के रिगार्डिंग आप फ्लैग्रेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड अटैक के बदले आप फोरे वर्ड यूज कर सकते हैं।
कोजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स जब आपको लिखना है उसके बदले आप फैक्शियस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इन तरीके से आप वर्ड को इंटरचेंज करके जो डार्कन बोल्ड वर्ड है उसको आप यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइटली रिटन वर्ड्स या फिर अनबोल्ड वर्ड्स, तो आपका जो आंसर है वो क्रूशियल माना जाएगा दूसरों के मुकाबले। आते हैं फन फैक्ट के ऊपर। सऊदी अरेबिया जो है तीसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहा है चाइना का, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोग्राम, उसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ्रॉम पाकिस्तान जब विजिट करने गए सऊदी अरेबिया को, जो कैश किंग किंगडम माना जाता है, तो वहां पर इन चीजों के डिस्कशन कर ली। तो चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग का बहुत ही प्रिय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये एम करता है बीजिंग्स इन्फ्लुएंस अराउंड द वर्ल्ड थ्रू चाइना फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है BRI। अब ये फोकस कहाँ पे करता है? फोकस करता है कंस्ट्रक्ट एंड अपग्रेड द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, एनर्जी प्रोजेक्ट, डीप वाटर पोर्ट एट ग्वादर एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू इवेंचुअली सपोर्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बाई 2030। अब यहाँ पर जो कैच समझिए, चाइना का अपने देश में से पॉल्यूशन निकालना है तो अपना प्रोडक्शन हाउस शिफ्ट कर दीजिए, अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करे कहाँ? पाकिस्तान के अंदर। अब ये बात पाकिस्तान समझ नहीं रहा है, इसको पता नहीं है क्या होने वाला है 12 साल के बाद उन लोगों के साथ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो फर्स्ट एवर जनरल असेंबली वाली मीटिंग होने वाली है दिल्ली NCR के अंदर, 3 दिन चलेगी, अक्टूबर महीने के अंदर 2 से 5 तारीख के अंदर इसी साल 2018 में। तो यहाँ पर असेंबली सेक्शन के बाद टेक्निकल सेक्शन सेशन होने वाला है। यहाँ पर इंडिया और फ्रांस जो है इसको लीड कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी बेस्ड अलायंस ऑफ 121 सोलर रिच नेशंस, जहाँ पर इंडिया का भी स्थान है बहुत आगे है, चाइना भी बहुत आगे है, हैड बिकम अ लीगल एंटिटी इन दिसंबर 2017। इट एम्स टू अंडरटेक जॉइंट एफर्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एंड द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, और कैसे मोबिलाइज करेंगे मोर देन 1000 बिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट टिल 2030। मैसिव डेवलपमेंट की जरूरत है सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग, 121 नेशन लगे हैं सोलर एनर्जी को प्राप्त करने में, मेंबरशिप कंट्रीज 121 को मिली है। द फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ ISA वॉज जॉइंटली होस्टेड बाय PM मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट एमिनुअल मैक्रोन इन दिल्ली ऑन 11th मार्च 2018। ये आपको याद रखने वाली बात है, कब हुई थी? इंडिया के अंदर हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर। पार्ट थ्री, थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है महाबिज 2018, दुबई यूनाइटेड अरब इमीरात लिटिल स्पार्टा के अंदर होने वाली है 12 और 13 अक्टूबर 2018। महाबीज क्या है? ये एक तरीके से माना जा रहा ब्रिज है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोलेगा महाराष्ट्र स्टेट्स की GCC के साथ। GCC के अंदर जो मेंबर्स हैं उसके नाम सुन लीजिए आप, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमीरात, कुवैत, ओमान, बहरीन और कतार। तो यहाँ पर जो है ग्लोबल कोऑपरेशन काउंसिल महाराष्ट्र के साथ हाथ मिलाएगा, महाराष्ट्र अपना बिजनेस वहां पर एक्सपांड करेगा और इन्वेस्टर्स, की गवर्नमेंट डिसीजन मेकर्स यहाँ पर आने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म में। 10 डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को यहाँ पर बढ़ोतरी मिलेगी इस मीटिंग और इस इवेंट से, इस कॉन्फ्रेंस से। और ये जो इवेंट है ये 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड किए जाने वाला है, और इस डेलीगेट्स के अंदर सारे कंट्री सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतार, इंडिया जैसे साथ, और इसके साथ गल्फ कंट्रीज और भी है जो वहां पर आने वाले हैं, यानी कि ये हो गया 8वां पार्ट, और अफ्रीका से भी लोग आएगा, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लोग आएंगे। अब ये जो हंसता खिलखिलाता चेहरा है ये मालदीव्स का नया प्रेसिडेंट का पिक्चर है। तो यहाँ पर जो है इंटरिम रिजल्ट संडे को प्रकाशित किए गए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मालदीव्स के। तो यहाँ पर जॉइंट ऑपोजिशन जो है कैंडिडेट के इब्राहिम मोहम्मद सोली ये जीतने वाले हैं। तो अब्दुल्ला यमीन का टाइम खत्म। अब टाइम खत्म बात सही है, लेकिन इनकी जो प्रोसेस है
वो इलेक्शन कमीशन की पूरी वोट काउंटिंग की, इसके फाइनल रिजल्ट आएंगे 30 जुलाई को, 30 सितंबर को, और जो सरकार है वो 17 नवंबर तक चलेगी, यानी कि अभी जो अब्दुल्ला यमीन है वो 17 नवंबर तक यहाँ पर कमान संभाल के रहेंगे। मोहम्मद इब्राहिम सोली, ये जो है सोली, इनको 58% वोटर्स ने जो है सहारा है, इनकी आइडियोलॉजी, इनके भाषण, इनके कैंपेन सक्सेसफुल रहे हैं। अब जो है थोड़ी सी मालदीव्स की बात करते हैं, छोटे छोटे टापू का देश है, 4.5 लाख तक की ही यहाँ पर आबादी है, और यहाँ पर आर्किपेलेगो जो है मालदीव, ये मालदीव इंडिया के साथ काफी रूठा हुआ था अभी तक, मार्च के अंदर, फिर जून तक हमें बोला गया कि हेलीकॉप्टर्स जो हमने आपने हमको दिए है वो वापस ले लो, यहाँ के लोगों के वीजा जो है वो कैंसिल कर दिए, ऑपोजिशन सारी पार्टीज के जो लीडर है वो जेल में बंद थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने प्रेशर बनाया कि अगर आपके नेशन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आपने नहीं करवाया तो मजा नहीं आएगा, और इसी के प्रेशर के चलते चुनाव हुए हैं। चाइना की यहाँ पर जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगाई गई है मालदीव्स के अंदर, और मालदीव्स जो है वो अभी बहुत ही सारे खर्चे कर्जे के अंदर है, जैसे कि पाकिस्तान की स्थिति है कि पाकिस्तान को लो जो लोन लिए है उसको पे करने वाले इंटरेस्ट के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, उसी तरीके की सिचुएशन मालदीव्स की है, और इसी के दम पर उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था हाल ही के अंदर कुछ समय पहले चाइना के साथ, और चाइना जो है यहाँ पर कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर ऑपोजिशन जो है उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीद, इनकी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी कुछ इलेक्ट होने की, लेकिन उनको जो है टेररिज्म कन्विक्शन के बुनियाद के ऊपर अरेस्ट कर लिया गया। उसी के अलावा कई सारे लोग जो है वो आज भी जेल में बंद पड़े हैं। जस्ट अहेड ऑफ डिस्कशन टू, मॉल्डिवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम सोलिस बिलोंग करते हैं, इनकी ऑफिस पर भी रेड डाली गई थी, और यहाँ पर जो प्रोसीजर्स है लास्ट मिनट पर चेंज हुई, और काफी जर्नलिज्म वाले जो वीजा मांग रहे थे उन लोगों को भी यहाँ पर वीजा देने से मना कर दिया। लेकिन संडे के पुलिंग्स के बाद अब सिनारियो चेंज होने वाला है। मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है ये चाइना के साइड लेने वालों में से नहीं है, ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, इंडिया की ओर ये जो है स्मूथ ट्रांजिशन रखना चाहते हैं, इंडिया ने काफी सारे वार्म विशेस भी भेजे इनको, और इंडिया जो है यहाँ पर विजिट भी करेगा, या फिर हो सकता है ये यहाँ पर विजिट करे। तो यमन जो है यामीन, तो अब्दुल्ला यमीन ने अब तक चाइना से बहुत सारे पैसे लिए, काफी लोन्स लिए हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह कर दिए, अपने देश को कई ग्रुप में से निकलवा लिया, तो मालदीव्स को बहुत ही ज्यादा इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स के पर्सोनल जो है और मालदीव्स के अंदर है, उनके जून से वीजा पेंडिंग पड़े हैं, अप्रूव नहीं किए गए हैं, और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के आने से अब जो है, और इसी के साथ जो दूसरी पार्टी थी जुमरोही पार्टी, इन्होंने भी काफी सारे वोट्स जो है अचीव किए हैं, फैजल नसीम वाइस प्रेसिडेंट, और इसी के साथ नई दिल्ली जो है इसके लिए नई उम्मीद की किरण जगी है कि मालदीव्स के साथ अच्छे रिलेशंस हमारे लिए कुछ नए दरवाजे खोल सकता है। अब मालदीव्स जो है ये मूव करेगा चाइना के बदले इंडिया की ओर, तो ये होगा अच्छा निर्णय, और ये एजेंडा अगर रहता है मालदीव्स का कि इंडिया की ओर आए, और हमसे अगर हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करे, तो बेहद खुशी की यहाँ पर जो है लड़ी लग सकती है, क्योंकि सिचुएशन उनकी आर्थिक परिस्थितियां बहुत खराब है, और इवन जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये भी कहीं ना कहीं एक मसला है, और हो सकता है कि अब जो है 30 तारीख को रिजल्ट आने के बाद भी कुछ नई चीज हो, या फिर 17 नवंबर तक जब यमीन अब्दुल्ला जो है कमाल संभालने वाले होंगे, तो ये भी जो है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिया की उम्मीदें अब मिस्टर सोली के साथ है कि क्या क्या पॉजिटिव एफर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं मिस्टर सोली के साथ मिलकर। आगे बढ़ते हैं, ये जो कतार है आप देख रहे हैं ये है एनआरसी के रिगार्डिंग, तो नेशनल रजिस्ट्री जो चल रही है असम पॉपुलेशन के अंदर, जो काफी सारे लोग हैं, 3 से 3.5 करोड़ लोग जिनके इंडियन सिटीजन होने ना होने की बात यहाँ पर एक गरम मसला पकड़े बैठी थी, तृणमूल कांग्रेस
और अलग अलग कांग्रेस और पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पर जो है कई सारे व्यू पॉइंट्स बताए थे कि ये सही है और गलत है। तो यहाँ पर बीजेपी की एक विजिट हुई थी और उनके जो हेड है अमित शाह, उन्होंने इन लोगों को टर्मिट वर्ड के साथ कंपेयर किया। टर्मिट का मतलब होता है दीमक। तो दीमक जो है वो किसी भी चीज को, स्पेसिफिकली वुडन चीज को खोखला करते हैं। तो दीमक जो है ये बहुत ही खराब चीज होती है, और ये एक वर्ड भी एक तरीके से अच्छी भाषा की गाली कह सकते हैं आप। तो जो पॉपुलेशन है जो इंडियन रजिस्टर के अंदर पहले से एज हम और आप जैसे रजिस्टर्ड या फिर बॉर्न सिटीजन्स है, उसी तरीके से जो रेफ्यूजीज है उनके रिगार्डिंग ये वर्ड रखा गया है। हम लोगों के रिगार्डिंग कोई वर्ड नहीं होता क्योंकि हम तो बॉर्न सिटीजन है। जो बॉर्न नहीं है या फिर कहीं से आए हैं, रेफ्यूजीज है, भाग के आए हैं, छोड़ के आए हैं, घुसपैठ से आए हैं, उन लोगों की उम्मीदें, उन लोगों ने इंडिया को पिघोल के अपनी रगों में ले लिया है, पी लिया है। इंडिया के कल्चर, एनवायरनमेंट, लैंग्वेज, स्टेटस, नॉलेज, सभी चीज़ों को अपना लिया है। लेकिन इंडिया ने इन लोगों को अपनाने के लिए एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नामक चीज़ शुरू की आसाम के अंदर। तो यहाँ पर जो है जुलाई 30 को डेटा पब्लिश किया गया, जहाँ पर 3.29 करोड़ लोगों की एप्लीकेशन आई थी, जहाँ से 42 लाख, स्पेसिफिकली 42 लाख, लेकिन हिंदू न्यूज़पेपर में आज 40 लाख वर्ड लिखा है। तो इन लोगों के नाम मिसिंग थे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कहा था कि 30 जुलाई 30 के पहले रजिस्ट्री खोल दी जाएगी। अब जो है यहाँ पर रजिस्ट्री खोल दी गई है आसाम के अंदर, और सभी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कतार में लोग लगे हैं। और यहाँ पर जो है इनकी रजिस्ट्रेशन के साथ और एक चीज जड़ी हुई है कि इनकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, इनको सिटीजन बना लेंगे, लेकिन इनको जो है वोटिंग राइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब ये बात जो है कोर्ट ने बता दी, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई आप जो है रजिस्ट्री एक चीज रखिए और इलेक्शन राइट्स दूसरी चीज, क्योंकि इलेक्शन के अधिकार देना या न देना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी निर्णय लेना सुप्रीम कोर्ट ने ठीक नहीं समझा। अब यहाँ पर काफी सारा गर्मा गर्मी वाला माहौल रहा। इसी बीच जो है कई पॉलिटिकल पार्टीज ने आके कई सारी कमेंट्स की, और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो साउथ एशिया के जो इश्यूज रहे हैं उसके अंदर इंडिया जो है वो रेफ्यूजी कैपिटल एक तरीके से है। अगर किसी को श्रीलंका में प्रॉब्लम है तो भी वो इंडिया आता है रेफ्यूजी बन के। बांग्लादेश, मालदीव्स और काफ़ी सारे ऐसे साउथ ईस्ट आइलैंड कंट्रीज भी है जहाँ पर लोगों को तकलीफ होने पर हमारे देश में आते हैं। बर्मा, म्यांमार, लाओस जैसे कंट्रीज से भी लोग इंडिया में आते हैं, और बांग्लादेश जो है उसके अंदर तो मेनली इंडिया में आते हैं, और नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का नाता है। इवन भूटान से भी कई लोग इंडिया में आ जाया करते हैं फॉर इनकम पर्पस या फिर रेफ्यूजी। वहाँ की पॉलिटिकल सिनारियो, वहाँ पर कम्युनिटी दंगे होना, कई अलग अलग मसलों के कारण इंडिया में लोग आते हैं, और एक तरीके से ये घुसपैठ होती है। तो घुसपैठ को लीगलाइज कैसे करेंगे? तो भाई एनआरसी खोल दी, जिन लोगों को इंडियन सिटीजन रहना ही है, रेफ्यूजी बन के आए हैं, आप यहाँ पर अर्न कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो काफी सारी चीजें जो है। वेयरएज पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर अमित शाह है वो ये सोचते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी वो ये है कि अगर ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज से लोग आते रहे और हमने सबको जगह देनी शुरू कर दी और काम भी देने लगे, तो यहाँ पर जो है वो काम भी इंडियन सिटीजन के हाथ से जा रहा है। दूसरी, इंडिया का रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा रिसोर्स। हमारे लोग हैं तो बात अलग है, लेकिन बाहर के आने वाले लोगों के रिगार्डिंग ये टूरिज्म पे नहीं आते, ये यहाँ पर अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आते हैं। तो ये जो है भारत को खोखला कर रहे हैं, खा के, पी के, रह के, काम लेके दीमक की प्रवृत्तियां कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड यूज किया है, इट मीन्स द वर्ड टर्मिट हिंदी में कहते हैं इसको दीमक, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और ये तो कहते हैं कि भारत के अंदर इस चीज को करना चाहिए, एनआरसी को पूरे भारत के अंदर, ताकि हर जगह पे पता चले कि आसाम की तरह और कई जगहों पर भी कितने लोग हैं। इनका जो मानना है ये 42 लाख लोग नहीं है, इनका कहना है कि ऐसी करोड़ों के अंदर पॉपुलेशन है जो पूरे देश के अंदर फैली हुई है। अब इसके ऊपर जो है बांग्लादेश जो है उनके हसनुल हक इन्नू ने यहाँ पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनके यहाँ पर टिप्पणी की मिस्टर शाह की कमेंट के ऊपर और कहा कि ये एक अनवांटेड चीज है
और बांग्लादेश ने जो है पोजीशन ली ऐसी है, उन्होंने कहा है कि एनआरसी करो या ना करो ये आपका इंटरनल मैटर है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है कहा, जब इनके बारे में इंटरनल इश्यूज कहा तो इन्होंने कहा कि भाई हाँ इंटरनल इश्यू है, हम इसको समझते हैं और एनआरसी के जो निर्णय होंगे वो सही होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बताया था कि वोटिंग पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, और ऐसा ही लग रहा है कि इन लोगों को वोटिंग पावर्स नहीं दिए जाएंगे, तो अब जो है आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो रिग्रेटेबिलिटी अभी देखने को मिल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को किस तरीके से देखती है और किस तरीके से इस चीज के रिगार्डिंग डिसीजन लेती है और कैसे जो है शब्द प्रयोग कर रही है। शब्द प्रयोग, शब्द जो होते हैं वो बाण होते हैं, किसी को लग भी सकते हैं और किसी को बचा भी सकते हैं, तो आपको वर्ड कैसे यूज करना है ये डिफाइन करता है कि आपकी आइडियोलॉजी और मेंटालिटी क्या है। अभी जो है आइडियोलॉजी और मेंटालिटी नेगेटिव प्रतीत हुई है। दीमक वर्ड इज अ वेरी बैड टर्मिनोलॉजी टू एड्रेस समवन और सम कम्युनिटी और सम ग्रुप या फिर इंडिविजुअल। तो ये जो है इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही है, नया एडिटोरियल जरूर से प्रकाशित होगा एनआरसी के संदर्भ में जब द हिंदू प्रकाशित करेगा। इस एडिटोरियल में इतना ही है। पिछले एडिटोरियल में हमने आपसे पूछा था दम्बुला नामक वेयर हाउस जो अभी हाल ही के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में था, वो किस कंट्री के अंदर लोकेटेड है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका ऑप्शंस थे। श्रीलंका करेक्ट आंसर था, सही जवाब दिया है मंजय कुमार, अमृतपाल सिंह और अशोक कुमार ने। और यहाँ पर जो है आज का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन बिगेस्ट साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी विच रिसेंटली बिकम ऑपरेशनल। साइक्लोन 103, साइक्लोन 123, साइक्लोन 69 और साइक्लोन 30। कमेंट सेक्शन में सही जवाब दीजिए और आपको मिलेगा अपना नाम यहाँ पर दर्ज करवाने का मौका। और इसी के साथ हम जो आपको कूपन कोड प्रोवाइड कराएंगे, कूपन कोड प्रोवाइड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर है वहां पर कॉल करके कूपन कोड प्राप्त करना है, जिससे कि आपको हमारा 12,000 रुपये वाला कोर्स 4,000 तक प्राइस में मिल सकता है। तो कमेंट जल्दी से कीजिएगा, जरूर से कीजिएगा। अपने सुझाव और नए वीडियो की डिमांड भी आप कमेंट के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर से करें आंसर को, इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्रिप्शन विथ लाल बटन को ब्लैक में कन्वर्ट करना, यानी कि सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना बेहद जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।